है गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राम खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए यूट्यूब के तीन न्यू जबरदस्त अपडेट लेकर आ गया हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तब ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एंड अगर आप यूट्यूब पर खाली एक व्यूवर हैं, वीडियोज अपलोड करने से आपका कोई भी लेने देने नहीं है, तब भी ये तीनों अपडेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और मैं फटाफट बताता हूँ कि वो कौन से तीन न्यू गजब के अपडेट हैं जिसकी वजह से आपका यूट्यूब पर एक्सपीरियंस अब और भी ज़्यादा हाई लेवल का होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस बात करते हैं हमारी अपडेट नंबर वन की। जैसे कि आपको मालूम है कि हम यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं गाइस। कुछ बड़े चैनल्स होते हैं, कुछ छोटे चैनल्स होते हैं, और कुछ कुछ चैनल्स तो ऐसे होते हैं जो अपने चैनल पर एक दिन में दो दो तीन तीन पाँच पाँच दस दस वीडियोज़ अपलोड करते हैं। सपोज दैट एक न्यूज़ चैनल है आज तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये अपने चैनल पर मिनिमम 10 to 15 वीडियोज़ पर डे अपलोड करते हैं। लेकिन अगर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे गाइस, तो आपको इनकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशंस, यूट्यूब 24 घंटे में हमारे चैनल की खाली तीन ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑडियंस के पास भेजता है। तीन से ज्यादा वीडियोस अगर हम अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑडियंस के पास नहीं जाती है, एंड जाती भी है तो बहुत कम जाती है। तो गाइस आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, आपके फेवरेट क्रिएटर्स जब वीडियो अपलोड करते होंगे तो आपको कभी कभी पता नहीं चल पाता होगा कि आपके फेवरेट क्रिएटर ने वीडियो अपलोड करी है या नहीं, आप उनकी वीडियोस को नहीं देख पाते होंगे। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूट्यूब ने इस अपडेट को फाइनली लॉन्च कर दिया है। अब अगर आपको चेक करना है कि आपके फेवरेट क्रिएटर ने, आपके फेवरेट यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड की है या नहीं, तो सिंपली आपको यूट्यूब के सर्च बार में जाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और सर्च बार में अगर आपने उस चैनल को सर्च किया होगा गाइस, तो उस चैनल के आगे आपको एक पॉइंट बना दिखेगा ब्लू कलर का, और नीचे लिखा होगा न्यू वीडियो, जैसे कि आप लोग साइड में देख सकते हैं। सो इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं गाइस कि इस चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड की गई है जो हमने वॉच नहीं किया। हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और चैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो इस स्टेप से गाइस आप आसानी से बिना किसी चैनल को ओपन किए हुए पता लगा सकते हैं कि उस चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड की गई है या नहीं। बात करते हैं गाइस अपडेट नंबर टू की। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल अपडेट होने वाली है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। गाइस कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारे कितने वीडियोस से हमें कितने सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हमारी किस वीडियो की वजह से हमारे चैनल को छोड़कर जा रहे हैं, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इस अपडेट के आने के बाद गाइस यूट्यूब ने ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं गाइस कि हमारी किस वीडियो से हमें कितने सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, लॉन्ग वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, शॉर्ट से कितने मिल रहे हैं, लाइव से कितने मिल रहे हैं, इनफैक्ट कम्युनिटी पोस्ट अगर हम डाल रहे हैं तो उससे भी हमें जो भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं तो वो कितने मिल रहे हैं। और लिए गाइस आपको क्रिएटर स्टूडियो ऐप में जाना होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपको सबसे नीचे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल वीडियोस, शॉर्ट्स, पोस्ट। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ऑल पर क्लिक कर देना है। ऑल पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये एक न्यू फीचर है जो अब आप सभी को मिल चुका होगा, सब्सक्राइबर्स का एक न्यू फीचर है गाइस। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिखा रहा हूँ। इसमें हमें सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, वीडियोज, शॉर्ट्स, पोस्ट, अदर। इस पर क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर लास्ट 28 डेज का डेटा जो है वो शो करा रहा है कि मेरी लॉन्ग वीडियोज़ से मुझे 28 दिन में कितने सब्सक्राइबर्स मिले हैं, शॉर्ट वीडियोज़ से कितने सब्सक्राइबर्स मिले हैं, मेरी कम्युनिटी पोस्ट से मुझे कितने सब्सक्राइबर्स मिले हैं। आप यहाँ एरो पर क्लिक करके अपनी 90 डेज की एंड लास्ट 65 डेज की एंड 7 डेज की, जैसे भी चाहें आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही गजब का फीचर है। इस फीचर के अकॉर्डिंग अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स आखिर कहाँ से आ रहे हैं, किस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं, ताकि हम उसी टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर सकें और हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। बात करते हैं गाइस अपडेट नंबर 3 की। जैसा कि आपको मालूम है कि यूट्यूब पर हम कोई भी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब हमारे सब्सक्राइबर्स के पास नहीं भेजता है। इनफैक्ट अगर आपने भी किसी बड़े चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अपने फेवरेट क्रिएटर को, शॉर्ट्स क्रिएटर को सब्सक्राइब कर रखा है, वो जब भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते होंगे तो आपके पास उनकी लॉन्ग वीडियो की नोटिफिकेशन तो आती होगी, लेकिन शॉर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आती होगी। बट यूट्यूब ने इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर दिया है। मैंने इस टॉपिक पर कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अभी तक यूट्यूब ने इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अपडेट यूट्यूब ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अब हम अपने चैनल पर कोई भी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के पास सेंड की जाएगी, जैसा कि हमारी लॉन्ग वीडियोज की नोटिफिकेशन सेंड की जाती थी। एंड इसी के अलावा अगर आपने अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर रखा है, वो शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, तो जब भी वो शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो उनकी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, आप आसानी से क्लिक करके उनकी शॉर्ट वीडियो वॉच कर सकेंगे। इस अपडेट से गाइस शॉर्ट क्रिएटर्स को एक फायदा होने वाला है कि उनकी शॉर्ट वीडियोस की रीच भी ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब भेजा करेगा। एंड आपको तो मालूम है कि अगर यूट्यूब ने हमारी वीडियोस की रीच भेजना स्टार्ट कर दी तो हमारी वीडियोस पर लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब्स भर भरकर आने लगेंगे, जिससे हमारा चैनल आसानी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थे वो यूट्यूब की थ्री न्यू अपडेट्स जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। अगर आप व्यूवर हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, दोनों के लिए ये अपडेट बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा गाइस कि इन तीनों अपडेट्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट अपडेट आपको कौन सा लगा। सो आज की वीडियो को करते हैं पर फिनिश। मिलता हूं आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव यू ऑल।